हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन हेल्प यू। आज का टॉपिक जॉइंट स्टॉक कंपनी होने वाला है या सिंपल सेवन कंपनी के लिए या आरबीएससी के बच्चों के लिए भी, कॉमर्स के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के हैं, आईसीएसई बोर्ड के हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, बीबीए में भी है, तो ये टॉपिक आपको छोड़ने वाला नहीं है। इसको सिंपल सेवन कंपनी भी कह सकते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कह सकते हैं। टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज का यही रहेगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं या पूरा पढ़ने वाले हैं। इस पर मीनिंग से स्टार्ट करेंगे अपन, फीचर्स पे आएंगे, मेरिट्स पे आएंगे और फिर लिमिटेशंस में जाके अपना कारवां खत्म होगा। एक एक पॉइंट डीप विद एग्जांपल आपको मैं समझाने वाला हूँ, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। इनके इस चैनल पे नए और ऐसे एजुकेशनल कंटेंट पसंद है, चाहे आप सीबीएसई के हों, आरबीएससी के हों, बीकॉम, बीबीए, जहां पर भी हों, तो ऐसे कंटेंट अगर आपको पसंद है, एजुकेशनल कंटेंट स्पेसिफिकली पोस्ट होते हैं वो अगर पसंद हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखते हैं मीनिंग ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी। एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, मतलब बहुत सारे लोग जब मिलके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं तो एक कंपनी कहलाती है। एंड हैज अ लीगल स्टेटस, प्लस उसका एक लीगल स्टेटस है, मतलब वो जैसे रजिस्टर्ड हो जाती है तो कंपनी एक लीगल स्टेटस बन जाता है, उसका एक लीगल कंपनी बन जाती है जो कि एक डॉक्यूमेंट के थ्रू, रजिस्ट्रेशन के थ्रू फॉर्म्ड हुई है, राइट। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, दैट मीन्स सेपरेट लीगल एंटिटी है किनकी, एक ऑर्गेनाइजेशन की और एक उनके मेंबर्स की, मतलब दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग है। कंपनी अपनी जगह खुद की एक आइडेंटिटी है, मेंबर्स की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है। तो एक कंपनी क्या है, सिंपल सा एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो कि कैरिंग आउट होती है किस वजह से, बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए। कंपनी का मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, बिजनेस एक्टिविटी है, प्रॉफिट कमाना मेन मकसद है। और एक ये लीगल ऑथराइज्ड फर्म है। अगर अपन ने फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप अगर अपन पढ़ रहे होंगे पहला, तो सोल प्रोपराइटर के लिए जरूरी नहीं रहता रजिस्ट्रेशन कराना, पार्टनरशिप के लिए रहता है, ऑप्शनल रहता है, राइट। लेकिन कंपनी के लिए इट इज कंपल्सरी टू गेट द कंपनी रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन कराना कंपनी के लिए कंपल्सरी रहता है। इसलिए जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन कराती है, द कंपनी गॉट देयर लीगल स्टेटस उनको मिल जाता है जो कि इंडिपेंडेंट रहता है उनके मेंबर्स से, मतलब मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग है और कंपनी की आइडेंटिटी अलग है। हो रहा है क्लियर? मूव ऑन करते हैं सबसे पहले फीचर्स पे। सबसे पहला फीचर है आर्टिफिशियल पर्सन, दैट सिंपली मीन्स आर्टिफिशियल किसको बोलते हैं, रोबोट्स को आर्टिफिशियल बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चल रहा है आजकल, तो आर्टिफिशियल पर्सन मतलब है एक कंपनी एक नॉर्मल पर्सन की तरह क्या कर सकती है, मतलब कोर्ट पे केस कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, किसी के ऊपर केस कर सकती है, कोई इनके ऊपर केस कर सकता है, तो एक नॉर्मल पर्सन की तरह खुद के नाम पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वो सारे काम कर सकती है, पर एक नॉर्मल पर्सन की तरह क्या नहीं कर सकती, महसूस नहीं कर सकती, फील नहीं कर सकती, सांस नहीं ले सकती, चल नहीं सकती, भाग नहीं सकती, तो इसको बोल रहा है आर्टिफिशियल पर्सन। एक रोबोट जैसा होता है, हर वो काम कर सकता है जो कि एक इंसान कर सकता है, लेकिन उसमें फीलिंग या इमोशंस नहीं होता। तो कंपनी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह वर्क करती है, अपने खुद के नाम पे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो आइडेंटिटी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ही उनको कंसीडर करा जाता है। मेकिंग सेंस हो रहा है, क्लियर? फिर है अपना सेपरेट लीगल एंटिटी, ये मैं समझा चुका हूं कि कंपनी की आइडेंटिटी और जो उनके मेंबर्स की आइडेंटिटी बिल्कुल अलग अलग है। कंपनी अपने नाम पर सारे डिसीजन ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, सब कुछ वो काम कर सकती है, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी अलग है। दैट मीन्स अगर कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है तो कंपनी में अगर केस होता है तो ये मतलब नहीं है मेंबर पे केस हो, अगर मेंबर पे केस हो रहा है तो ये मतलब नहीं है कि कंपनी पे भी केस होगा। तो यहां पर क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। वहां पर क्या था, सोल प्रोप्राइटर में ये नहीं था कि दोनों की, बिजनेस की और उनके मेंबर्स की जो आइडेंटिटी थी या जो पर्सन बिजनेस कर रहा है, वहां पर तो सोल प्रोप्राइटर में एक ही बंदा था जो कि बिजनेस कर रहा है, वहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी। अगर उसके प्रोडक्ट में केस होता है तो दैट मीन्स उसके ओनर पे भी केस हो रहा है, ओनर पे केस होता है तो उसके प्रोडक्ट में भी केस हो रहा है। लेकिन इस केस में कहां पर, कंपनी में क्या होता है, जो कंपनी की एसेट्स होती हैं और मेंबर्स की जो एसेट्स होती हैं वो चीजें दोनों अलग अलग रहती हैं, राइट। मेंबर्स पे अगर कुछ भी होता है तो कंपनी की रेपुटेशन में कुछ भी नहीं होता है, रेपुटेशन फिर भी होती है लेकिन उनकी एसेट्स इंटैक्ट रहती है। और अगर कंपनी को कुछ भी होता है तो यहाँ पर मेंबर्स को नॉर्मल से उतना ही कंट्रीब्यूट करना पड़ता है जितना कि उन्होंने शेयर परचेस करें अपने, वो नेक्स्ट पॉइंट है, इस पर समझ लेंगे। सिंपल सा यहाँ पर है कि दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग है, राइट। थर्ड पॉइंट अपना फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब होता है कंपनी को स्टार्ट करना रिलेटिवली टफ है,
क्योंकि और जो अपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखी अपन ने, सोल प्रोप्राइटर देखा अपन ने, बहुत ईजी है उसको फॉर्म करना, कोई भी एक नॉर्मल पर्सन फॉर्म कर सकता है। पार्टनरशिप देखा अपन ने, वहाँ पर भी रिलेटिवली ईजी है, आपके मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 50 तक हो सकते हैं हम अपने। तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो कि रिक्वायर्ड होती है वो कहाँ पर होती है, वो कंपनी में ही लीगल फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड होती है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, प्रोसीजिंग वगैरह, बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, अगर आप पब्लिक कंपनी है तो इनकॉर्पोरेशन तो लेना ही पड़ता है, प्लस सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी लेना पड़ता है। तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है अपना, इसलिए इसका फॉर्मेशन थोड़ा हेक्टिक और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। मेकिंग सेंस? आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म नहीं होती किसी के आने या जाने से। कंपनी की एग्जिस्टेंस, कंपनी बंद नहीं होती है, अगर कोई चले जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई इंसेन या पागल हो जाता है, किसी भी वजह से कंपनी लंबे समय तक चलती रहती है। दैट इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन, या एग्जिस्टेंस उसकी कभी खत्म नहीं होती, कंटिन्यूटी बरकरार रहती है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक दो चले भी जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, द शो मस्ट गो ऑन। तो ये एप्लीकेबल इसमें होता है। कंट्रोल किनके पास रहता है कंपनी में? सिंपल सा कंट्रोल रहता है बीओडी के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। जो भी बीओडी होते हैं वही टॉप लेवल को भी अपॉइंट करते हैं, तो सब कुछ जो मेजर डिसीजन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कंट्रोल बीओडी के पास रहता है। जैसे कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली में करता पड़ा था अपन ने, पार्टनरशिप में सारे मेंबर्स का इक्वल राइट रहता है, सोल प्रोप्राइटर में एक ही बंदा है तो सारा कंट्रोल उसके पास रहता है। तो यहां पर पूरी कंपनी का कंट्रोल बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहता है। मेकिंग सेंस? आगे देखते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी का क्या खेल रहता है? लायबिलिटी जो रहती है मेंबर्स की वो लिमिटेड रहती है। दैट सिंपली मींस जितने अमाउंट का भी उन्होंने शेयर परचेज करा है या जितने भी अमाउंट का उनके पास शेयर पड़ा हुआ है, वहां पर लॉस होने पर उतना ही अमाउंट उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। पूरा क्लियर? तो सिंपल सा क्या है, जितने भी शेयर्स के आप हकदार हैं, जितना भी परसेंटेज आपने बोरो कर रखा है कंपनी से या परचेज कर रखा है, उतना ही लॉस होने पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, दैट मींस पर्सनल प्रॉपर्टी आपकी इंटैक्ट रहेगी, वो सलामत रहेगी, उसको बेचकर आपको लॉस पे करने की जरूरत नहीं है। जितना लिया है, जितने शेयर्स परचेज कर रखे हैं, उतना पैसा ही लॉस में कंट्रीब्यूट करेंगे। पूरा क्लियर? आगे देखते हैं कॉमन सील। कॉमन सील का सिंपल सा आप देखते हैं, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अगर आप देखते होंगे कॉलेज या स्कूल में देखते होंगे, या कभी भी कोई भी प्राइवेट कंपनी का डॉक्यूमेंट देखेंगे तो उसमें कंपनी की सिग्नेचर और उनकी सील लगे रहते हैं। सील क्या है कॉमन सील? वो एक सील वहीं की सील है कि एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिल जाती है, एक अपना लीगल स्टेटस मिल जाता है अगर सील का, कि कंपनी ने, ये कंपनी की सील लगी हुई है, मतलब कंपनी की नाम लगा हुआ है वहाँ पर, जो कि लीगल है, जो कि ऑथोराइज्ड है, राइट? तो यहां पर कॉमन सील क्या होता है, कोई भी अगर कंपनी थर्ड पार्टी के साथ कोई भी डॉक्यूमेंटेशन साइन करती है, कोई भी डील करती है, तो कंपनी की मोहर, मोहर बोलते हैं मतलब सील को, कंपनी की सील और उसका सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक लीगल अथॉरिटी या कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर रहा है दोनों पार्टी के बीच। अगर साइन वगैरह, कॉमन सील वगैरह नहीं रहता तो वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाता है। मेकिंग सेंस? आगे देखते हैं रिस्क बियर। अच्छा, रिस्क कौन बियर करेगा कंपनी में? क्या सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्क बियर करेंगे? नहीं, कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जो भी शेयर परचेस करता है, दैट इज बीन रेफर टू एज अ शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर, सारे शेयर होल्डर मिलकर रिस्क को बियर करेंगे। तो रिलेटिवली यहां पर रिस्क क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जितने भी आपके मेंबर्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, तो यहां पर एक ही जने को सारा प्रॉफिट या सारा नुकसान नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट भी सब में होता है, लॉसेस भी सब में, जितना भी कंट्रीब्यूशन ले रखा है, जितना भी शेयर, सब में रिस्क को डिविजन हो जाता है। तो यहां पर एक ही के ऊपर पूरा बर्डन नहीं पड़ता, जैसे सोल प्रोप्राइटर में क्या है, एक ही के ऊपर पूरा बर्डन पड़ता है, पार्टनरशिप में जितने पार्टनर्स हैं उतने बर्डन पड़ता है, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या था, कर्ता, कर्ता की क्या लायबिलिटी थी अपनी, अनलिमिटेड थी, सारे मेंबर्स की लिमिटेड थी। तो यहां पर भी क्या है, अपना रिस्क जो बियर करते हैं, जितने शेयर होल्डर्स होते हैं वो सारे आपस में बांटकर रिस्क को बियर करते हैं। हो रहा है क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, मेरिट्स में आ जाए या हो रहा है फीचर्स के लिए। फीचर्स क्लियर हो गए तो मेरिट तो खेल के है, ठीक है, बहुत इजी है मेरिट्स अपना। पहला है लिमिटेड लायबिलिटी, जो अपन ने पढ़ चुके हैं वही चीजें रिपीट हो रही है। तो फीचर्स, अगर आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फीचर्स को अच्छी तरह करके जाइए, मेरिट्स के सिर्फ आप हेडिंग हेडिंग भी पढ़ोगे तो अंदर का आराम से मन से लिख सकते हैं आप, क्योंकि आपको फीचर्स क्लियर हो गए। मेरिट्स देखते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी किनकी लिमिटेड, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी जो रहती है, मेंबर्स की लायबिलिटी रहती है लिमिटेड रहती है। कैसे लिमिटेड रहती है, जितने भी शेयर आप परचेज करें, जितने भी बोरो करें, जितने भी शेयर्स आपने रिटेन कर रखे हैं, लॉस होने पर उतना ही शेयर आपको पे करना पड़ेगा, ना ही उससे कम ना ही उससे ज्यादा। मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूं, राइट, क्लियर?
आगे देख लेते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट सिंपल सा है, आप क्या कर सकते हैं अपने जो भी शेयर आपने परचेस करे हैं उसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और मेंबर्स पे जो भी इंटरेस्टेड है। दैट मींस अगर आप अपने शेयर सेल या परचेस करना चाहें तो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अगर प्राइवेट और पब्लिक में डिस्टिंक्शन करूँ तो प्राइवेट में ये जो ऑप्शन होता है वो अवेलेबल नहीं होता। पब्लिक कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स या मेंबर्स होते हैं अपने शेयर नॉर्मल पब्लिक को या अपने ही किसी और मेंबर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, उनके शेयर आप परचेस कर सकते हैं, अपने शेयर उनको सोल्ड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, रिलेटिवली इजी होता है इनकम को अर्न करना, डिविडेंड को एक्सटेंड करना या बढ़ाना उनको, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इंटरेस्ट जो आपका फायदा जो है आपका शेयर वगैरह जो भी आपने परचेस कर रखा है वो इजिली ट्रांसफरेबल है टू द अदर मेंबर्स और टू द अदर पर्सन, मेकिंग सेंस। थर्ड है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, अपन डिस्कस कर चुके हैं, दैट मींस कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता, एक या दो जने चले भी जाएं या कोई भी चले जाता है, कोई भी आ जाता है, उसे कंपनी बंद नहीं होती है, चाहे वो पागल हो, चाहे वो डेथ हो, चाहे किसी भी वजह से कोई भी इंसॉल्वेंट हो, कोई भी कुछ भी पर्सन के साथ कुछ भी होता है तो कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी लॉ के थ्रू बनी है, लॉ के थ्रू ही बंद होती है, पूरा क्लियर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते भी हैं, शेयर होल्डर्स चाहते भी हैं तो आपको लीगल परमिशन या लीगल फॉर्मेलिटीज के थ्रू ही कंपनी को बंद करना पड़ता है, मेकिंग सेंस। आगे देखते हैं स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। अब कंपनी को बढ़ाना एक्सपेंड करना इजी होता है रिलेटिवली, राइट। और की कंपेरिजन करें सोल प्रोपराइटर में एक ही बंदा है, कितना रेवेन्यू या फंड्स कितना जनरेट कर पाएगा, लिमिटेडनेस है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंपनी में हजारों लोग हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता है, सोल्ड बहुत ज़्यादा, सेल बहुत ज़्यादा होती है आपकी, तो आप उतना ही प्रॉफिट कमा पाओगे, जितना प्रॉफिट उतना ज़्यादा ग्रो कर पाओगे, उतना ही बिजनेस को एक्सपेंड कर पाओगे, हो रहा है क्लियर। तो स्कोप ज़्यादा है सारे फॉर्म्स के, कंपेयर करें तो कंपनी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं, हो रहा है क्लियर। फिफ्थ देखते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट और सबके कंपैरिजन करिए। सोल प्रोपराइटर में जरूरी नहीं है जो एक अकेला बंदा है वो एक्सपर्ट हो हर काम में या प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो अपन ने हायर करा है किसी भी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए या उस काम में वो एक्सपर्ट है। अपन पार्टनरशिप में अपॉइंट नहीं करते हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें ही उनसे काम चलवाते हैं अपन ना ही ज्वाइंट हिंदू फैमिली में अपॉइंट करते हैं, लेकिन ना ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपॉइंट करते हैं कोई प्रोफेशनल को। लेकिन कंपनी के पास पैसा होता है, फंड है, प्रॉफिट है, तो वो प्रोफेशनल को हायर कर सकती है, अपनी फर्म में रख सकती है, उनको अपॉइंट कर सकते हैं और उनसे उनकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज सर्विस ले सकते हैं। दैट मीन्स एक्सपर्ट बंदों को अपॉइंट कर सकती है कंपनी और कंपनी का हर जो इंपॉर्टेंट काम है करने के लिए, सेल्स में मैनेजर जो होगा वो सेल्स में एक्सपर्ट होगा, परचेस का मैनेजर परचेस में एक्सपर्ट होगा, तो क्योंकि उनके पास पैसा है उन लोगों में खर्च करने के लिए, दैट मीन्स उनका जो मैनेजमेंट है वो एक्सपर्ट लोग संभालेंगे और जितने एक्सपर्ट लोग काम को संभालेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकर कर पाएगा या कमा पाएगा, पूरा क्लियर। तो ये सिंपल से अपने पांच मेरिट्स थे, आई होप क्लियर हो रहे होंगे। बढ़ते हैं लिमिटेशंस की तरफ। पहला लिमिटेशन कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, मतलब कि फॉर्म करने में, कंपनी को बनाने में बहुत दिक्कत आती है। मैं अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लीगल वर्क बहुत है, पेपर वर्क बहुत है, लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत है, महीनों लग जाते हैं सर्टिफिकेट लेने में, इनकॉर्पोरेशन का लो, फिर कमेंसमेंट का लो। तो कॉम्प्लेक्सिटी है जहां पर आपको पार्टनरशिप में ऑप्शनल है, आपका जॉइंट हिंदू फैमिली में जरूरत ही नहीं है और सोल प्रोपराइटर में आपका कोई कंपलसरी नहीं है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन यहाँ पर कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, फॉर्मेशन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए लीगल प्रोसीजिंग बहुत है, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है और थोड़ा बहुत कॉस्टली प्रोसेस भी है, पूरा क्लियर। सेकेंड देखते हैं लेक ऑफ सीक्रेसी। सिंपल सा पॉइंट है कि सीक्रेसी क्या है, इनकी सीक्रेसी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है वो सीक्रेट नहीं रह पाती। मेन सोल रीज़न क्या है, सोल रीज़न ये है कि पब्लिक कंपनी को, स्पेसिफिकली पब्लिक कंपनी को अपने अकाउंट्स वगैरह जनरल पब्लिक को शो करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट कंपनी को, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है उनको अपने अकाउंट्स वगैरह, अपनी वर्किंग वगैरह अपनी खुद की वेबसाइट में या न्यूज़पेपर्स वगैरह में, आर्टिकल्स वगैरह, मैगजीन्स वगैरह में उनको शो करना पड़ता है। उसकी वजह से उनकी जो इंपॉर्टेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है वो पर्सनल नहीं रहती, वो पब्लिक हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, अपनी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट नहीं रह पाती, सोल प्रोपराइटर में रह पाती क्योंकि एक ही जना है, पार्टनरशिप में भी रह पाती क्योंकि लिमिटेड पार्टनर्स है, कॉपरेटिव सोसाइटी में भी एक हद तक रह पाएगी, लेकिन कंपनी में सीक्रेसी मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको हर चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ती है जनरल पब्लिक को, हो रहा है स्पेसिफिकली टू द पब्लिक कंपनी, राइट। देन इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट, वर्क एनवायरमेंट जो है काम करने का तरीका थोड़ा इम्पर्सनल है, मतलब
हर वर्कर हर मैनेजमेंट को नोटिस या उनका इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती है, क्योंकि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी वहाँ पर मिडिल लेवल लोअर लेवल का ध्यान रखना या उनको भी इंपॉर्टेंस देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, राइट? क्योंकि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर टॉप लेवल, कई कई बार तो ऐसा होता है टॉप लेवल को यही नहीं पता कि मिडिल लेवल पर कितने डिपार्टमेंट हैं, उनके हेड कौन कौन है, बहुत होता है। क्योंकि आपको टॉप लेवल में इतना कंज्यूम रहते हैं अपने वर्क में कि आपको यही नहीं पता लगता कि हमारे वर्कर्स या मिडिल लेवल लोअर लेवल में कौन से वर्कर काम कर रहे हैं। तो सबको क्या होता है, इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल मतलब क्या होता है, आप जाके हर किसी को पर्सनली बात कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, ये नहीं हो पाता है कभी कभी कंपनी में। जब आपका साइज बहुत बढ़ जाता है कंपनी का, आपके लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं, तो आपका एनवायरमेंट क्या बन जाता है, इम्पर्सनल, राइट? आगे देख लेते हैं, न्यूमरस रेगुलेशंस, रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है भाई, पेपर वर्क बहुत है, हर चीज़ के लिए आपको डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए आपको नोटिस तैयार करना पड़ेगा, प्रिंट आउट फॉर्म में होना चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, स्टैंप होनी चाहिए। तो लीगल वर्क, पेपर वर्क बहुत टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। आपको हर चीज़ के लिए क्या है, एक सर्टेन प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, सिस्टमेटिक प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। कुछ भी हड़बड़ी में, कुछ जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लिया जाता है, कन्फर्मिटी होती है, हर चीज़ से पूछा जाता है, हर चीज़ से डिसीजन की अश्योरेंस ली जाती है कि वो कन्फर्म है या नहीं है, फिर जाके कहीं जाके कोई भी डॉक्यूमेंट पास होता है, कोई भी वर्क जाके अकम्प्लिश होता है। तो बहुत सारे न्यूमरस मतलब होता है बहुत सारी सेवरल रेगुलेशंस है जो कि एक कंपनी में होती हैं, वो हर लेवल पर करनी पड़ती है, जो कि एक कंपल्सरी पार्ट है किसी भी कंपनी का, राइट? फिर आता है डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिले मतलब देरी हो जाती है डिसीजन लेने में, सिंपल सी बात है, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतने लेवल से इंफॉर्मेशन गुजरेगी। एक जना कोई भी सोल मतलब यहाँ पर क्या है, कोई भी एक पर्टिकुलर बंदा सबके लिए डिसीजन नहीं ले रहा, इक्वल वोटिंग राइट से डिसीजन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, वहाँ पर चीज़ें डिस्कस होती है, सबसे पूछा जाता है, सबकी कन्फर्मिटी ली जाती है, फिर एक डिसीजन लिया जाता है। इसमें बहुत हैक्टिक प्रोसीजर है, बहुत लंबा टाइम ड्यूरेशन लगता है। सोल प्रोप्राइटर में क्या है, एक बंदा है, जब मन करे जो भी मन करे डिसाइड करता है, वो चीज़ें इंप्लीमेंट करता है। कंपनी में नहीं हो सकता ये चीज़ें, क्यों नहीं हो सकता, बहुत सारे मेंबर्स हैं, सबकी परमिशन सबकी एश्योरेंस लेना ज़रूरी है, इसलिए छोटा भी डिसीजन होता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उस डिसीजन को लेने में। मेकिंग सेंस? आगे देखते हैं ओलिगैरिक मैनेजमेंट। ओलिगैरिक से सिंपल सा थोड़ा सा टिपिकल टर्म है, ओलिगैरिक मैनेजमेंट सिंपल सा यहाँ पर मतलब है कि कंट्रोल बाय अ फ्यू। अ फ्यू से क्या मतलब है कि चुनिंदा लोग ही इसको कंट्रोल करते हैं। कहने को तो शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो कॉल्ड द ओनर्स ऑफ द कंपनी, लेकिन उनका इतना बस नहीं चलता। बस किसका चलता है, सुप्रीम कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है? तो ओलिगैरिक मैनेजमेंट क्या है, एक लिमिटेशंस है कि कहने को तो शेयर होल्डर्स जिम्मेदार हैं, ओनर्स हैं, हर चीज़ में उनका वोटिंग राइट है, हर चीज़ में वो कह सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन अगर एट द एंड देखा जाए तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वही जो मेजर टॉप लेवल को भी वही अपॉइंट करते हैं, और मेजर डिसीजन में जिसको से होता है मतलब कहने का हक जो ज़्यादा होता है वो शेयर होल्डर से कहीं ज़्यादा होता है अपना, किन का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स खुश नहीं रहते किन से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। तो कभी कभी उनको अपने शेयर वगैरह दूसरों को सेल करने पड़ते हैं, या फिर कंपनी छोड़ के अगर जाना पड़ता है तो अपने अगर उन्होंने शेयर परचेस कर रखें तो किसी और को सोल्ड करके वो निकल जाते हैं, ठीक है? तो कभी कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, बिहेव अच्छा नहीं करते, आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। मोनोपोली सिचुएशन होती है ना जहां पर एक ही जना कंट्रोल करता है, तो वो सिचुएशन जब होने लग जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, तब शेयर होल्डर्स कंपनी को छोड़ के जाने लगते हैं। तो वो एक लिमिटेशंस है, पूरा क्लियर? तो ये थी अपनी लिमिटेशंस, पूरा अपन ने पढ़ लिया है, मीनिंग देख ली, फीचर्स देख लिया, मेरिट्स देख ली, लिमिटेशंस में आके अपने खत्म करा। आई होप सारे पॉइंट क्लियर हो गए। इन केस हो सकता है मेरे पढ़ाने में थोड़ी गलती हो गई हो, आपको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पर आंसर दे दूंगा। हो सकता है मैं अलग से वीडियो बना दूं आंसर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। दिस इज सुनील साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।